फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये पेपर कटिंग जो है, प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग जो है वो कैसे करनी थी, ये मैंने आपको बताया है। अभी ये पेपर कटिंग जो है कपड़े पे रख के इसको कैसे कट करना है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की है। ये हमारी बैक साइड है और यहाँ पर हमारी ये फ्रंट साइड है। ये दोनों जो पार्ट है ये हमारी फ्रंट साइड है और ये जो है ये हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग देखते हैं। जैसे ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है तो पहले हम अस्तर को कट करेंगे। तो ये देखिए, पहले हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने एक बार कपड़े को फोल्ड किया है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद ये हमारी बैक साइड है। अभी ये जो है ये हमारा आर्म होल है और ये जो है ये हमारा नेक है, गला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करना है। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पहले हम बैक साइड रखेंगे। फोल्ड करने से पहले यहाँ पे हम बैक साइड रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये जो गला है, गला जो है ये बंद बाय साइड में हमें रखना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मार्किंग है मार्किंग कर लेते हैं। इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है क्योंकि ये जो अस्तर है, अस्तर की जब हम कटिंग करते हैं तो इसमें कुछ नहीं बढ़ाते। जब हम साड़ी का जो ब्लाउज होता है तो जो अस्तर जो है ये हमें परफेक्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो साड़ी का जो ब्लाउज़ होता है इसे क्या हो जाता है, जैसे पूरे साइड से हमें आधा आधा इंच जो है एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की मार्किंग हो गई। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बैक साइड की मार्किंग की है। अभी जो फ्रंट साइड का पार्ट है, जो फ्रंट साइड का पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे। इसके साथ में ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड का पार्ट जो है इस तरह से रखते हैं। इसमें भी कुछ बढ़ाना नहीं है, इसे भी परफेक्ट मार्किंग करनी है जो हमारा जो हमारी कटिंग है वैसे हमें ये मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये इस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है। अभी यहाँ पे हमारा कटोरी का पार्ट, यानी कि सॉरी, यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का पार्ट, जैसे एक पार्ट का भी हमने मार्किंग किया है उसी तरह से ये दूसरे साइड का भी मार्किंग हमें करना है। ये भी हम इस तरह से रखेंगे, इसे भी कुछ बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही मार्किंग करनी है। जो साड़ी का ब्लाउज होता है उसे हर पार्ट, जो कटोरी का पार्ट हो या प्रिंसेस कट ब्लाउज का पार्ट हो, साइड में से आपको आधा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे पहले हम ये तीनों पार्ट को कट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने एक पार्ट को कट किया है। अभी यहाँ पे हमें इसे बीच में से कट करना है। ये दोनों पार्ट को हमने अलग अलग किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसके साइड का जो पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। Thank you.
इसे अच्छे से आपको रखना है और दोनों साइड का एकदम सेम कटिंग आनी चाहिए ताकि इससे सिलाई के वक्त हमारा कम ज़्यादा नहीं होता। जो हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर हमें ये कटिंग करनी है। ये देखिए, ये भी हमने कटोरी के सॉरी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के जो दोनों पार्ट हैं फ्रंट साइड के वो हमने कट किए हैं। अभी यहाँ पे हमें ये जो बैक साइड है बैक साइड को भी कट कर लेते हैं। गला जो है वो बाद में कट करेंगे। ये हमारी बैक साइड है, बैक साइड को भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बैक साइड कट की है और यहाँ पे हमारी ये जो फ्रंट साइड है ये फ्रंट साइड हमने कट की है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, ये हम अलग रखते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद हमें दोबारा फोल्ड करेंगे। दोबारा फोल्ड करने के बाद जो हमने स्लीव्स की कटिंग की थी इसे हमें इस तरह से रखना है। इसमें हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने इसको कट किया है और यहाँ हमें जो फ्रंट साइड की गोलाई जो है उसको कट करना है। इस तरह से रखते हैं हम स्लीव्स को और यहाँ पे हमारा जो मार्किंग है मार्किंग कर लेंगे जो हमने गोलाई दी थी। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बाजू जो है वो कट किए हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके साइड के लिए जॉइंट देना है क्योंकि ये कपड़ा जो है थोड़ा कम पड़ा है, इसीलिए हमें क्या करना है, जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पे भी बीच में से हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये जॉइंट आएगा। इस तरह से हम इसको जॉइंट का जो कपड़ा है उसे भी हम कट करेंगे। हम बीच में से कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी ये दोनों पार्ट को भी हम बीच में से कट करेंगे। यहाँ पे हमें चारों ओर इस तरह से ये इसमें जॉइंट आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है हमारा, ये हमारा हुक पट्टी के लिए, हुक और आई के पट्टी के लिए, और जो गले के लिए पाइपिंग बनाते हैं पाइपिंग बनाने के लिए, और जो भी आपको मतलब
पट्टी लगाने के लिए ये कपड़ा जो है यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने देखिए ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है, इस तरह से आएगा हमारी ये फ्रंट साइड। यहाँ पे हमारी स्लीव्स हैं और स्लीव्स को हमारे ये जॉइंट्स आए जॉइंट जो है आगे के साइड में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज जैसे पेपर की कटिंग तो मैंने आपको करके दिखाई थी कैसे करनी है, लेकिन अस्तर की भी कटिंग मैंने आपको बताई है कैसे करनी है। क्योंकि जब हम नॉर्मल ब्लाउज सिलते हैं, बिना अस्तर वाला ब्लाउज सिलते हैं, उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे मैंने स्लीव्स में 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। लंबाई में जैसे हमने 1/2 इंच लिया है, तो लंबाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कपड़े के ऊपर कैसे कट करना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.